जनधन, आधार और मोबाइल यानी जैम की तिगड़ी। कोरोना संकट के आर्थिक दुष्प्रभावों से देश के गरीब, मजदूर और किसानों की सुरक्षा करने में सबसे मजबूत ढाल साबित हुई है। जैम की इस अनोखी तिगड़ी के साथ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी DBT को जोड़कर मोदी सरकार जहां एक तरफ 51 मंत्रालयों की 351 योजनाओं के करोड़ों लाभार्थियों का पैसा अब सीधा उनके बैंक खातों में जमा कराने में सफल रही है, वहीं दूसरी ओर बिचौलियों के हट जाने से देश को 1.78 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की भारी बचत कराने में भी सफल रही है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 1,35,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में पहुंचाए गए हैं। इस बार तो किसानों से जो गेहूं की सरकारी खरीद हुई है उसका लगभग 85,000 करोड़ रुपए सीधा किसानों के बैंक खातों में ही ट्रांसफर किया गया है। इन सारे प्रयोगों का बहुत बड़ा लाभ ये हुआ है कि देश के करीब करीब 2,25,000 करोड़ रुपए से अधिक गलत हाथों में जाने से बचे हैं। वर्ष 2020-21 में 2.10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि मनरेगा, जन वितरण प्रणाली, प्रधानमंत्री आवास योजना और अन्य में वितरित की गई। दिसंबर 2019 तक 5,55,000 फर्जी मजदूरों को योजना से बाहर किया गया। इससे 24,162 करोड़ रुपए की बचत हुई और सही मजदूरों को काम और मजदूरी मिल सकी। बाल एवं महिला कल्याण मंत्रालय की योजनाओं का लाभ ले रहे 98,80,000 फर्जी लाभार्थी पकड़े गए। इससे 1,523 करोड़ 75 लाख रुपए की बचत हुई। आधार और मोबाइल को जोड़े जाने से राशन वितरण प्रणाली में करीब 3 करोड़ फर्जी राशन कार्ड धारकों को पकड़ा गया और इससे देश को 66,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि और टेक्नोलॉजी के बेहतर उपयोग से आज देश को हो रही ये बचत पहले भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती थी, लेकिन अब संसाधनों के सटीक और प्रभावी प्रबंधन से देश को हो रही ये बचत संकट में जरूरतमंदों की मदद करने के काम आ रही है।